गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। बच्चों आप जब गणित पढ़ते हैं तो उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है उसका फॉर्मूला, जो बहुत ही मेजर पार्ट है। जब आप उसका फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तब उसका अगला नेक्स्ट पार्ट होता है जो उस फॉर्मूला का प्रयोग करके सवाल को हल करना। तो जब आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो सवाल को हल करने में कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि किस प्रकार हम उसको हल करें। तो आपको यह जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें कि चैप्टर वाइज आपके पास नोट्स हो, आप सभी चीजों का जो है अपने कॉपी में कलेक्शन करें, सवालों को कलेक्ट करें और खुद से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। केवल वीडियो देखने से आप यह मत समझें कि आपको यह सवाल आपका हो गया, काम हो गया आपका। आपका काम तब पूरा होगा जब उन सवालों को आप खुद से हल करेंगे, और जब हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपको कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। उस स्थिति में आप पुनः अपने वीडियो पर जाएंगे और उसको देखेंगे, सीखेंगे। तो यह जो आपका डिफरेंशिएशन है जिसकी चर्चा हमने पिछले दिनों भी की थी, तो यह जो डिफरेंशिएशन है इसका जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे। लिखा है हमने कि प्रमुख फलनों के अवकलज। आप जब क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे इसके फॉर्मूला पर बेस्ड आते हैं। मतलब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप दो चार नंबर तो इसी प्रकार आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आज देखें इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो डी बटा डी एक्स है यह आपका एक मशीन है, इस पे यहां पर जो भी आप मान रखते हैं उसका जो मान आता है वही फलनों का अवकलज कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो प्रमुख फलन का अवकलज, जैसे x का पावर n जो है एक फलन हुआ और इसका अवकलज जो है ये इस साइड लिखा गया है, और d बटा dx यह साबित कर रहा है, यह बता रहा है कि किसका अवकलज निकाला गया है। तो फलन है x का पावर n और d बटा dx का मतलब हुआ कि x का पावर n का अवकलज nx n माइनस 1 है। तो बच्चों x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वह आपका nx n माइनस 1 है, मतलब जो पावर है वह बगल में आ जाएगा और x का पावर 1 घट जाएगा, मतलब जितना पावर रहेगा उससे 1 माइनस हो जाएगा। यहां पर है dc बटे dx बराबर 0। यह c जो है कांस्टेंट को व्यक्त करता है, यानी किसी भी कांस्टेंट राशि का, अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब तीसरा है सी एक्स का पावर एन, यानी एक्स का पावर कुछ दिया रहे और उसके गुना में कोई कांस्टेंट राशि रहेगी तब तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यह जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर कर लेते हैं, मतलब उसका अवकलन हमको नहीं करना है। कब? जब एक्स के पावर एन के गुना में रहेगा तब। यदि अकेला यदि कांस्टेंट राशि है तो उसका यदि डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो वह 0 होगा, लेकिन जब उसके प्रोडक्ट में रहेगा तब c बाहर हो जाएगा और x का पावर n का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। फिर आगे आता है sin x, इसका डिफरेंशिएशन है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस cos x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएशन है sec x इंटू tan x, cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस cos x स्क्वायर x, और ex का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, मतलब ex का डिफरेंशिएशन बराबर ex log x, और यहां पर e लिखा गया है, मतलब प्रायः यदि e लिखा रहे या न लिखा रहे आप समझते हैं कि log x का मतलब होता है उसका बेस e होता है। तो ये जो log x है इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब जैसे कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप ध्यान रखेंगे
कि जैसे tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है उसी से cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिलता जुलता है, यानी वह प्लस में है यहां पर माइनस में है, इसीलिए हम इसी क्रम में इसको लिखे हैं। यहां पर आप देखते हैं कि sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एक दूसरे का जो है यह मिलता जुलता है, यह आपका प्लस में है और यह माइनस में है। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 बटा x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है माइनस 1 बटा x इनटू x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों यह जो डिफरेंशिएशन है रूट x का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है और यह डिफरेंशिएशन प्रायः उपयोग में आपको प्रश्न में आएंगे। तो आप लोग इसको जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे dx का पावर n बटे dx बराबर nx इनटू n माइनस 1, इस फॉर्मूला को प्रयोग करते हुए इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो किसी भी चीज का जो रूट होता है इसका मतलब होता है उसका पावर 1/2, तो x का रूट है यानी x का पावर 1/2 हुआ। और यह जो है इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, x का पावर n यानी n का वैल्यू 1/2 है, तो इसके सूत्र के हिसाब से nx n माइनस 1 यानी n का वैल्यू x का पावर n माइनस 1 हमने फॉर्मूला पर बैठाया, तो यहां पर 1/2 और x का पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 होगा, और माइनस में जब पावर आएगा तो वह नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर होगा 1/2 और x को नीचे ले आए और पावर इसका पॉजिटिव कर दिया 1/2, और फिर x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स। तो आप लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि डी रूट एक्स बटे डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब यहां पर बीज गणित है, जोड़ घटाव गुणा भाग अवकलज की बीज गणित, इसका जो है अलजेब्रा क्या है। तो अभी हम लोग एक पढ़े थे फॉर्मूला के अंतर्गत ही कि c इंटू एक्स का पावर n, तो हमने क्या किया था कि c को बाहर किया था और x पावर x का पावर n का फॉर्मूला लिखा था। तो यहां पर आप देखते हैं कि k u का डैश, अब सबसे पहले यह समझिए कि डैश का क्या मतलब है। हम लोग अवकलज में पढ़े थे कि जैसे हमने y का यदि हम अवकलज निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, dy by dx, और इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है y डैश। y डैश प्रतीक है, चिन्ह है, संकेत है कि y का अवकलज का, y का अवकलज को y का डैश भी लिखा जाता है। तो यहां ku और होल का डैश का मतलब हुआ कि ku को इसका अवकलज आपको निकालना है। तो यदि कांस्टेंट राशि के साथ कोई फलन रहेगा तो कांस्टेंट राशि का अवकलज नहीं निकलता है, वह उसी प्रकार बाहर हो जाएगा, और जो फलन रहेगा उसका अवकलज उसके साथ गुना हो जाएगा। फिर है u प्लस भी डैश या u माइनस भी डैश, तो यदि प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। u का डिफरेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस, और फिर भी का डिफरेंशिएशन और माइनस रहेगा तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यदि गुना रहेगा u इंटू भी का डैश, यदि दो फलन आपस में गुना के चिन्ह के साथ रहेंगे और उनका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहली बार में जो पहला फलन है उसको बाहर छोड़ देंगे, दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस का चिन्ह होगा, और फिर जिसका डिफरेंशिएशन निकाला है दूसरी बार में उसको बाहर छोड़ेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं निकला था दूसरी बार में उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। अब जब भाग की क्रिया रहेगी, यू बटा भी का डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा, तो जो हर में राशि है उसको हम हर में स्क्वायर करके लिखते हैं डिफरेंशिएशन में। भी है नीचे, तो यहां पर जो नीचे वाला फलन है उसका होल स्क्वायर होगा यहां पे, और जो नीचे रहता है फलन उसको बाहर में छोड़ दिया जाता है, मतलब उसी प्रकार लिख दिया जाता है जैसे यहां पर भी को लिखा गया है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, और जो ऊपर वाला फलन है उसका डिफरेंशिएशन निकाल के उसके साथ गुणा करेंगे, यानी भी इंटू यू डैश चाहे यू डैश इंटू भी, और यह जो गुना में प्लस का चिन्ह था यहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर वही प्रक्रिया, जिसका डिफरेंशिएशन निकाला गया दूसरी बार में उसको छोड़ देंगे, और जिसको बाहर छोड़ा गया था उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि भी नॉट इक्वल टू जीरो, यह तो हर केस में होता है,
भी जो है यानी हर जो है कभी भी जीरो रहेगा तो यह प्रक्रिया हम लोग नहीं अपनाएंगे। अब कुछ प्रश्न इससे आधारित छोटे छोटे प्रश्न हम लोग लेते हैं इसके कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे आपका एक प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो है आपका डी टेन ए एक्स बटा डी एक्स। तो यदि टेन ए एक्स बटा डी एक्स है तो यदि डायरेक्ट यहां पर होता डी टेन एक्स बटा डी एक्स तो हम फॉर्मूला पर बैठा देते कि डी टेन एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर केवल सेक स्क्वायर एक्स होता। लेकिन यदि इसके एंगल में कुछ अन्य चीजें भी हैं तब हम कैसे बनाते हैं इसको, तो जैसे यहां हुआ डी टेन ए एक्स बटा डी एक्स, तो यहां पर यदि एंगल में एक्स के अलावा यदि कुछ और चीज दिया रहेगा तो जो एक्स है डी टेन एक्स बटे डी एक्स यानी जो एक्स रहता है वो नीचे रहना चाहिए, तो यहां पर एक्स के जगह पर क्या है ए एक्स है, तो यहां पर भी हम एक्स के जगह पर उसी चीज को उसी एंगल को नीचे लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे ए एक्स और फिर गुना करके जो नीचे लिखा गया है वही चीज हम फिर ऊपर में गुना करेंगे ताकि ये दोनों कट जाए और फिर हमारा किस रूप में आ जाए डी टेन ए एक्स बटे डी एक्स के रूप में, यानी इसी चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यह जो फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे कि डी टेन एक्स बटे डी एक्स, तो यहां पर जो एक्स के जगह पर रहेगा वही सेम चीज नीचे रहेगा तभी उस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कर पाएंगे। तो यहां पर ए एक्स है तो यहां पर भी हमको देखना होगा कि वही फलन नीचे रहे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो बैठ सकता है डी टेन एक्स बटे डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर x के जगह पर ए एक्स है इसलिए हम x के जगह पर यहां पर भी ए एक्स ही रखेंगे। अब जब हमारा ये जो डिफरेंशिएशन है दूसरा पार्ट, यहां पर हम देखते हैं कि यह कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि को बाहर कर देंगे और यहां पर क्या बचेगा डी एक्स बटे डी एक्स, डी एक्स बटे डी एक्स का मतलब क्या होगा वन कट जाएगा वन आएगा, तो यहां क्या बचेगा डी ए एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन केवल ए बचेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यह ध्यान में रखेंगे कि dx बटा dx ऐसे भी आप देख रहे हैं कि कट के 1 होता है और ऐसे भी आप समझेंगे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यह हो गया 1। तो यह जो a था वह कांस्टेंट राशि को पहले लिख देंगे तो a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स इसका आंसर होगा। फिर जैसे प्रश्न है कि डी एक्स का पावर 5 बटे डी एक्स, तो यह तो डायरेक्ट x का पावर n जो फॉर्मूला है उस पर बैठेगा nx n माइनस 1 यानी पावर को बगल में रखेंगे और x का पावर 1 कम करेंगे यानी 5 था तो वह 4 हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को सीखा पढ़ा, आप लोग घर पे जाके निश्चित रूप से घर पे इसके सारे फॉर्मूला को आज ही रट लेंगे आज ही समझ लेंगे ताकि अगले दिन आपको इसको चैप्टर को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।